व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ रोज गेमर्स। तो आज हम लोग खेलने जा रहे हैं एक और हॉरर गेम, मतलब एक और सीरीज हम शुरू करने वाले हैं। तो उस गेम का नाम क्या है आप लोग वो स्क्रीन पे तो दिख रहा ही होगा। तो उस गेम का नाम है इविल नन। हाँ, हम लोग आज इविल नन खेलने वाले हैं। और इविल नन वाला जो कि वो पानी वाला सीवर वाला स्किप है वो करने वाला है। तो देखते हैं हम लोग कर पाते हैं कि नहीं। तब तक वो स्किप देखने के लिए आप लोग वीडियो में बने रहना। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो यहाँ पे मैंने प्ले तो कर दिया। यहाँ पे इविल नन का कुछ फ़ोटो और कार है और दो बच्चे थे बाजू में और गाना तो एकदम सही रॉकिंग टाइप बज रहा है। ओके, तो ये पूरे पहाड़ों के तरफ वगैरह से रात के टाइम ये लोग कहाँ पे जा रहे हैं, क्या पिकनिक वगैरह बनाने को जा रहे हैं क्या वैसे लोग इतने रात के टाइम वो भी, और ऊपर इविल नन का फ़ोटो भी लगाया हुआ है। मतलब ये लोग इविल नन के काम करने वाले लोग हैं। और यहाँ पे इन लोगों ने किसी को तो मतलब हमको इविल नन के स्कूल में ला के छोड़ दिया है। और सामने इविल नन है और गाड़ी भी चली गई है, अभी हम कैसे जाएंगे। ओ, उसने तो मार दिया भाई, भाग के आ गई है। तो मतलब इंट्रो तो हो चुका है, अभी गेम डे वन आ चुका है एकदम हॉरर वाले म्यूजिक बैकग्राउंड में। तो ऑलराइट, तो गेम हमारे कंट्रोल में आ चुका है और मैंने स्टार्टिंग में ही साउंड क्रिएट कर दिया है। और यहाँ से मैं एक टनल से चल रहा हूँ, सामने कुछ तो चमक रहा है। ओ, यहाँ पे कॉइन्स है तो यहाँ पे मैंने चिल्लर बटोर लिया है। तो अभी आगे बढ़ना है, बस इविल नन ना आ जाए। और ये रूम है ओनली बी ओपन विद अ कोड, तो ये कोई से तो कोड से ओपन होने वाला है। और बाकी का पूरा एरिया जो है पूरा गंदा होके रखा है, खून खूनी वाला। डोर ओपन करते इट इज़ ब्लॉकेड, ये ब्लॉक हो रखा है। ये मैंने खोल दिया और बहुत ज़्यादा ही साउंड हो गया है, पक्का इविल नन यहाँ पे आने वाली है। तो मुझे पहले जाना है ऊपर और जो केबल है ना उसको वो जो रहता है वायर का उसमें लगा के मुझे सिर्फ स्विच एक ऑन करना है। उससे क्या होगा कि जो बाकी के जो डोर्स है ना एक्स्ट्रा जिधर से और सामान मिलने वाला है वो आराम से ओपन हो जाने वाले। तो मुझे पहले केबल ढूंढना है, ड्रॉर्स के अंदर रहती है, मुझे थोड़ा तो पता है इस ड्रॉर्स के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पे येलो की है और यहाँ पे मिल चुकी है। और यहाँ पे गलती से मैंने ये बटन दबा दिया और केबल का साउंड क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे अभी हम फटाफट इसको लगा देते हैं इलेक्ट्रिकल वो जो बोर्ड था उसके अंदर। तो बस नीचे इविल नन ना होनी चाहिए भाई, बहुत ही फट रही है इस गेम में। क्या ही हॉरर बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। और वो आ जाती है ना, वो धीरे चले या फास्ट भागे, वो चिल्लाती जो है ना पूरे रेंगटे उठ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये डोर ओपन कर लिया है स्विच से, अभी सब डोर ओपन हो जाने वाले हैं। और मैं फिर से इधर आया हूँ कुछ ढूंढने के लिए। ये वाला तो मेरा ही रूम है वैसे। यहाँ पे ये नीचे पूरा कुछ पान थूका है या खून है। ओ भाई इविल नन, मैं गलती से वो रूम में जाने वाला था और इविल नन पीछे पड़ गए। वो उस रूम में कुछ तो कह रही थी और मैंने डिस्टर्ब कर दिया यार। मैं टनल से निकलूँगा और वो फंस जाने वाले, वो यहाँ तक बिल्कुल भी नहीं आ पाने वाले। ओ, इसको ये कौन सी पावर्स दे दी यार, ये तो इसको। अरे इधर तो रास्ता नहीं यार, यार क्या ही मारा यार सच्ची में। पहला दिन तो ऐसे ही जा चुका हम लोगों का, दूसरे दिन में अच्छा से खेलना होगा। तो यहाँ पे हम लोगों का दूसरा दिन स्टार्ट हो चुका है और मुझे बिल्कुल भी साउंड क्रिएट नहीं करना। और ये डोर तो बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है। इविल नन देख सकते हो आप, उधर कुछ तो प्रार्थना वगैरह कुछ चालू है उसका सीन वहाँ पे। तो ये वाला डोर मैं ओपन कर लेता हूँ फिलहाल के लिए। और मैंने जो एक्स्ट्रा डोर्स थे वो ओपन तो कर लिए थे और ये अभी भी एक और हो रहा था। ओ भाई यहाँ पे ये क्या लटका हुआ है, कौन सा डिस्प्लॉयड है, 5 सेकंड से क्या आ रहा है वैसे लिख के मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ रहा है। ओ यहाँ पे एक डोर है, इसके अंदर जाके चेक करते भाई, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिलना चाहिए हम लोगों को। ओ यहाँ पे एक रूम है, ये वाले रूम चेक करते हैं, ये कौन से रूम है वैसे, ये टॉयलेट से वैसे। तो ये जो बड़ा दरवाजा इसको खोलते और ये कुछ गार्डन टाइप है। ओ भाई ओ ये क्या है, वाटर कंट्रोल लीड, ये वाटर कंट्रोल लीड किस काम आने वाली है वैसे। यहाँ पे ऐसे कुछ काम का नहीं दिख रहा है, यहाँ पे बेंचेस वगैरह कुछ सी वैसे रखा हुआ है। यहाँ पे हम लोगों को कुछ काम का पक्का मिलने ही नहीं वाला है मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी बाहर चलते हैं। और मैं आपको एक बात बताना भूल ही गया, मैं जब मतलब इविल नन के पास गया और उसको ना ऐसे भगा के लेके आया तो वो एक चीज़ में अटक चुकी थी। तो वहाँ से ना अभी आगे आप खुद ही देख लो, अभी मैं बताने नहीं वाला हूँ। तो यहाँ पे मैं सब चेक कर लेता हूँ, ये टॉयलेट्स वगैरह इसके अंदर कुछ है क्या वैसे। इसके अंदर इधर कुछ भी नहीं दिख रहा है, पूरा अंधेरा, लाइट नहीं लगा रखी है। इसके अंदर भी बहुत ही गंदा बाथरूम फंसा और यहाँ पे वाटर कंट्रोल लीड है। तो यहाँ गलती है ना, मैंने कुछ अलग बटन दबा दिया तो वहाँ पे स्टॉप हो गया था मेरा गेम। तो फिलहाल के लिए इविल नन उधर ही घूम रही है, उसको मैं बिल्कुल भी नहीं दिखाऊँ। एकदम सेफ भाई, एकदम सेफ रह के काम करना है क्योंकि एक भी दिन हमको अभी गंवाना नहीं है, मुझे मेरा पूरा बेस्ट करना है। और यहाँ पे मैंने टनल खोल के साउंड क्रिएट कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसके अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे एक लीड थी उसके अंदर मैं जा चुका हूँ। और यहाँ पे ये सब भाई इतना
खूब इतना भाई बुलबुलैया जैसे रास्ते यहाँ पे। ओ भाई यहाँ पे ये पेंटिंग लगी हुई है, पेंटिंग को ध्यान रखना अगर मुझे फिर से वही रास्ते में जाना है तो। ओके तो यहाँ पे ये टनल है ना, उसके पूरे स्कूल में फैली हुई है। अगर हम इसको अच्छे से समझ लेना तो हम लोग एकदम चुप चुप के सब काम आराम से कर लेंगे। और यहाँ पे नन भी मुझे फ़िलहाल के लिए लगता है कि आ नहीं सकती। अगर हम साउंड क्रिएट करें, भाई मैं डर गया सच्ची, मुझे लगा नन है। अगर हम साउंड क्रिएट करते तो ही वो आती है, नहीं तो उसका आने का कुछ यही नहीं होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं वही जैसे आया था उधर से मैं रिटर्न चले जाता हूँ, क्योंकि अभी मुझे इधर कुछ काम नहीं है। तो अभी हम लोग फटाफट जिस रास्ते से आए थे उस सीढ़ियों से फटाफट ऊपर की तरफ चलते हैं। भाई बहुत ही ख़तरनाक गेम है यार ये। मैं बहुत मतलब अभी आप लोगों का डिमांड था इविल नन खेलो, कुछ लोगों ने कमेंट किए थे तो मैंने बना दिया। नहीं तो मैं नहीं खेलने वाला, मुझे हॉरर्स गेम वैसे पसंद भी नहीं है, पर आप लोग देखते हो हॉरर्स गेम के वीडियो तो इसलिए मैं बना देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग अभी कौन सा, हाँ ये रास्ता मुझे याद है, ये वाला रास्ते में मैं आया नहीं हूँ। इधर चेक कर लेते हैं भाई पूरा, ये जो लॉकर्स है लिटिल लॉकर, ये क्या है, आई नीड अ सीक्रेट कोड टू बी ओपन इट, उसको भी सीक्रेट कोड लग रहा था और इसको भी कोड। और ये क्या है, ये इसका लाइब्रेरी है लग रहा है। यहाँ पे ओल्ड बुक, ये क्या है, रिसेप्शन ऑफ सॉर्ट ऑफ विंग्स। यहाँ पे एक और बुक निकाली मैंने, मैं जो क्या इसको लगा और ड्रॉप कर दी, मैंने गलती से वो बुक ड्रॉप कर दी और साउंड क्रिएट हो चुका है। तो इविल नन यहाँ पे भागती भागती आ रही होगी, मुझे कैसे भी। ओह यहाँ पे एक रास्ता है, ओह भाई साहब मना चाहो, यहाँ पे एक रास्ता भी निकला यार। ओह यहाँ पे एक फैंस लगे हुए हैं और एक नीचे जाने के लिए भी रास्ता है। नीचे कौन सा रास्ता है, ओह ये वही रास्ता है जहाँ से मैं बोल रहा था आपको टनल्स है। एक्सप्लोर्ड फ्यू सेकंड से क्या लिख क्या रहा है, ऐड विल बी, अरे ऐड नहीं चाहिए भाई हम लोगों को। और यहाँ पे भी एक लॉकर है, यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे वैसे कुछ भी नहीं है, इविल नन आ गए भाई। मैं नीचे बैठ के, इसने कुछ भी नहीं किया, अंधेरे में दिख रहा नहीं हो क्या भाई मैं इसको, भाई उसको दिख रहा नहीं, ये हम लोगों के बहुत अच्छी बात है। ये क्या ग्लिच है भाई गेम का, मैं उसको दिखा ही नहीं, मैं अंधेरे में बैठ गया और वो ऐसे ही चली गई। मेरी सच्ची में फट गई थी भाई सच्ची में। ओके तो वो चली गई है। तो यहाँ पे मैं हूँ, यहाँ पे मैं आ चुका था और मैं कुछ और चीज़ें ढूंढ रही था, तो यहाँ पे मेरे को क्रोबार मिल गया। और क्रोबार का यूज़ भी कहाँ पे वो भी मुझे पता था। एक जो टॉयलेट थी मैं पूरा ढूंढने के बाद आधा कट कर दिया वो गेम प्ले। एक टॉयलेट थी जहाँ पे की प्लैंक्स और नेल्स लगे, और वहाँ पे मैंने क्लिक किया ना तो वहाँ पे लिख के आ रहा था यू नीड अ क्रोबार। तो अभी क्रोबार का यूज़ यहाँ पे ही है और हम लोग करने वाले हैं सीवर वाला स्किप। तो क्या मालूम सीवर हमको यहीं से मिल जाए तो अच्छा रहे। और यहाँ पे हो चुका है बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट। तो यहाँ पे हम लोग आए हैं और यहाँ पे कुछ भी नहीं। ओह यहाँ पे एक टनल है, सीवर। ओ भाई साहब तो हम लोगों को सीवर जो कि है वो मिल चुका है। तो अभी हमको करना क्या है, वैसे ये सामने क्या लगा, इधर जा सकते हैं क्या भाई, मर गया मैं वैसे, उधर चेक ही तो कर रहा था इतना। तो गाइज मैं पूरे तीनों के तीनों दिन मर गया और फिर से सब जैसे कि था वैसे करके मैं क्रोबार लेके नीचे आ गया हूँ। और मुझे ना वो जो ग्रीन वाला सिग्नल दिखा वो वाले साइड से जाना था, बल्कि रेड वाले साइड से बिल्कुल भी नहीं। उधर क्या मालूम इविल नन ने क्या लगा के रखा है, मुझे तो लग रहा है उसने मैनीपो को पेंस लगा के रखा है, वैसे मैं मजाक कर रहा था। तो हम लोग यहाँ पे लैंड हो चुके हैं और यहाँ पे कुछ ऐसे दिख रहा नहीं है, वो सिर्फ पानी वगैरह और यहाँ पे सीढ़ियाँ। और ये सामने क्या चमक रहा है वैसे, हुक। ओह यार मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा साउंड कनेक्ट कर दिया। और मैं कह रहा था हुक से हमको जो वो जो कंट्रोल वाली पानी की जो कुछ मिल रहा था ना हम लोगों को वो बंद करना है। तो यहाँ पे मैं कौन से वाले, ओह मैं बाहर के एग्जिट वाले साइड आ चुका हूँ। क्या ही सही है भाई खेलने के लिए, क्रिकेट खेलने को मिलना चाहिए भाई यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं बाहर के साइड आ गया और यहाँ पे मैं चेक करके गया था तो यहाँ पे भी मेरे को एक कंट्रोल लीड मिला था, तो इसको मैंने बंद कर दिया। यू हैव क्लोज्ड फोर स्टॉपिक्स। ओके तो मुझे ऐसे और तीन करने हैं। और यहाँ पे सामने इविल नन आ गई है, भाई छुपो, पहले छुपो भाई सच्ची में। उसने अच्छा हुआ देखा नहीं, मैंने वो क्रोबार वाला साउंड क्रिएट कर दिया था ना तो अच्छा हुआ, वो मतलब अच्छा हुआ ही बोल रहा हूँ, इसीलिए वो आई थी। तो फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट करता हूँ ताकि वो चली जाए। तो यहाँ पे इविल नन चली गई है बहुत वेट करने के बाद, एक 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 मिनट दो मिनट तक। और यहाँ पे बंच ऑफ कीज़ है, बंच ऑफ कीज़ ये कहाँ पे काम आने वाले पता नहीं। और यहाँ पे इट इज़ लॉकेड एंड नीड्स अ की, कौन सी की लगने वाली है वैसे यहाँ पे। और यहाँ पे ये उसका कुछ एग्जिट टाइप है। और यहाँ पे मैं नीचे आता हूँ तो नीचे कुछ भी नहीं है, एक लॉन्ड्री रूम है और वो ओपन नहीं हो रहा है, तो ऊपर वाली साइड चलते हैं। पर ये बंच ऑफ कीज़ को, बंच ऑफ कीज़ लेके वो खुलेंगे क्या वैसे,
तो यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बंच ऑफ कीज जो है वो इधर ही काम आने वाले और काम भी आ चुके हैं, तो इसको यहाँ पर ड्रॉप करते और फटाफट जो हुक था हम लोगों का उसको लेके चलते, ना कि यहाँ पर नन ना आ जाए। वैसे ज़्यादा साउंड क्रिएट नहीं हुआ है, पर इस गेमों में क्या होता है, जैसे आइसक्रीम मैन समझ लो, मिस्टर मीट, ग्रैनी तो है ही, पर इसमें क्या होता है कि सीन कि हम लोग कहाँ पर भी साउंड करते हैं ना तो नन आ जाती है, और नन यहाँ पे आ भी गई थी और मैं भाग गया, बातों में बताने भूल गया नन यहाँ पे आ रही थी, अभी मैंने देखा था खुद। ओके तो ऑल राइट गाइस, नन यहाँ से जा चुकी है। अभी मुझे एक जो ग्रीन गार्डन में मिला था या टॉयलेट में कुछ मिला था वो बंद करना है, और जो एक और था वो मुझे, हाँ मेरे रूम के किधर तो आसपास ही दिखा दी, यहाँ पे था ना एक, अरे अंधेरा हो रखा है, लाइट तो लगाओ यार, लाइट बिल भरते नहीं हो तो लाइट क्यों नहीं लगाते वैसे तुम लोग। तो यहाँ पे तो कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसको ओपन कर लेते हैं फिलहाल के लिए, लगता है मुझे साइड वाले बाथरूम में मिला था, हाँ यहाँ पे ये भाई कैसे लगा के रखा है, सेम लादी लगा के रखी है, नन भी बहुत ही चालाक है वैसे हमारे आइसक्रीम मैन की मम्मी जो है। तो यहाँ पे मैं गार्डन वाले इधर आ चुका हूँ एरिया में, और यहाँ पे भी मुझे एक और मिला था, तो इसको मैं बंद कर लेता हूँ यहाँ से पहले। ओके तो अभी मुझे एक और ढूंढना है, वो मिलेगा मुझे मेरे खुद के प्राइवेट रूम की थोड़े से पड़ोस में जो रूम है ना आंटी जी का, वहाँ पे मुझे मिलने वाला है, तो फटाफट मैं आपको मिलता हूँ वो वाले रूम की तरफ। तो यहाँ पे मैं उस रूम के यहाँ पे आ चुका हूँ, मैंने याद रखा था यहाँ पे एक क्लॉक लगा हुआ है, तो यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये स्टॉप कॉप, यहाँ पे यू हैव अ ट्रेंड ऑफ ऑल स्टॉप कॉप्स वाटर स्टॉप इट रनिंग इन द शवर। ओके तो जहाँ पे वो पानी पूरा चल रहा था ना उसकी वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे थे, तो वो रुक चुका है, तो अभी हम फटाफट नीचे जाते हैं हुक को लेके, और जिधर से वो जो टनल से हम लोग आए थे ना वही टनल से हम लोग फटाफट अभी नीचे जाने वाले हैं। पानी रुका उधर से, एक रास्ता वगैरह कुछ खुल गया होगा, नहीं तो कुछ ना कुछ मिलने वाला है, तो वहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। किधर गया वो रास्ता, हाँ यही रास्ते की इधर हम लोग जा नहीं पा रहे थे क्योंकि यहाँ पे पानी था, मैं क्रोबार लेके चलता हूँ, हुक्का तो काम हो चुका है, क्या पता। ओह भाई साहब तो देखो मैं यहाँ पे आ सकता हूँ अभी, ओह यहाँ पे क्या है वैसे, कुछ भी नहीं यहाँ पे तो, ओह यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, तो यहाँ पे एक नीचे रास्ता जा रहा है, क्या पता हमको जो पानी का जिधर से एस्केप होने वाला है वही मिल जाया हो। ओह भाई साहब नीचे तो देखो कौन सा प्राणी है, वो क्रोकोडाइल लगता है वैसे, वो ये क्या है पीछे, वैसे ये क्या है वैसे आगे, वाटर सन टी शर्ट और एक बॉक्स है, इधर कुछ कोड लगने वाला है, नंबर एक पैड, और अंदर से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ मिलने वाली है, तो ये भी कोड कैसे ढूंढना है पता नहीं। फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे सब ये जो लॉकर्स है उसको चेक कर लेता हूँ, क्या पता कुछ मिल जाए हमको, इसको बंद कर लेता हूँ। वो इसको चेक कर लिया, इधर कुछ भी नहीं लग रहा है मुझे मिलने वाला है वैसे काम का कुछ, और यहाँ पे ये क्या है, ये कुछ मसाला रखा है, मसाला है कि कुछ और है मालूम नहीं, इस वाले को चेक कर, तो यहाँ पे कुछ चमक रहा है वैसे, स्विच इसको उठा लूँ क्या, उठा लेता छोड़ो, पर आवाज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, और यहाँ पे चिल्लर्स है, और अगर नन थोड़ी सी भी आ जाती है तो मैं यहाँ से भाग सकता हूँ, पर ये रास्ता वैसे जा रहा कौन सी दिशा में है। ओह यहाँ पे एक लीड रखी है, इसको मैं गिरा दूँ तो एक जगह से मैं वो जो खून वाली जगह जिधर पान थूकते वो है, और एक सीधा मेरी रूम की यहाँ पे लेके जा रही है, तो यहाँ से मैं अगर नन आ ही जाती है तो भाग सकता हूँ वैसे, पर ये स्विच को लगाना कहाँ पे यार, मैं वो वाले साइड गया नहीं हूँ वैसे, और चेक करना पड़ेगा मुझे, पूरा ढूंढना पड़ेगा, क्या पता इस स्विच से नीचे का पानी रुक जाए या फिर क्रोकोडाइल है वो कौन सी और पानी वाली जगह पे चला जाए, मालूम नहीं वैसे, ये लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे क्या। अरे ये ऐड नहीं, मैंने डेटा ऑफ कर ये रखा है, कैसी आएगी ऐड, इसको मैं खोलता हूँ। ओह यहाँ पे कंट्रोल रूम टाइप है पूरा, जो बोट शिप का रहता है। तो ऑलराइट गाइस मैं पूरा बहुत ढूंढने के बाद मुझे एक रूम मिला, और यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे एक गैप करके लिखा था और यहाँ पे स्विच था, तो मैंने इसको ऑन कर दिया, ओपन द लॉक ऑफ द वाटर लेवल हैज़ ड्रॉपड, मतलब जो पानी ज़्यादा था ना वो कम हो चुका है ऐसे मुझे लग रहा है, यहाँ पे लिख के आया, तो यहाँ पे क्या है सी ओ जी कॉक, ये कहाँ पे लगने वाला है वैसे मुझे पता नहीं, मैं इसे लेके नीचे जाने वाला और पानी कम हो चुका है, अरे ये तो मगरमच्छ है ना एक यार, अभी मैं नीचे कैसे जाऊँ, कार्ड बीट लेगा तो इंजेक्शन लगेगी, छोड़ो डॉक्टर के पास नहीं जाना, हम दूसरी जगह से जाएंगे, वैसे बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का हम लोगों को, एकदम अच्छे से खेलना है, वैसे ही मैं बहुत बार मर चुका हूँ और फिर से एक और बार गेम स्टार्ट कर दिया है, तो अभी नीचे आ गए। हेलो भाई कुछ नहीं ना, तू सो रहा है ना, आराम कर ले, ठंडा ठंडा पानी है, अरे अरे तू गुस्सा क्यों कर देता, हाँ जा रहा है ना, गुस्सा हो गया वो, छोड़ो यहाँ पे क्या है, पैड वॉल, मतलब इसको हटाने के लिए कुछ ऐसी चीज़ चाहिए होगी, कुछ क्रोबार टाइप, तो क्रोबार तो है हम लोगों के पास, पर ये कहाँ पे लगने वाला है, ये मुझे लगता है नीचे लगने नहीं, ओह वहाँ पे कुछ तो है, ये वहाँ पे तो नहीं लगने वाला ना वैसे,
यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है यार, यहाँ पे तो एक रास्ता है। यहाँ पे ओ सामने देखो भाई कुछ तो है, ये जो गेट बंधा हुआ है मुझे लगता है जो कॉग है वो यहाँ पे लगने वाला है। ये बात तो ये यहाँ पे लग गया और गेट खुल गया, मगरमच्छ को वहाँ पे जाने, अरे वहाँ पे जाना, गेट खोल के रख दिया मैंने, मेरे पीछे आ रहा है भाई ये दो। तो यहाँ पे एक गैप है और इसको निकालने के लिए मुझे ऊपर से क्रोबार ज़रूरी लेकर आना पड़ेगा, पर मैं ये जो गेट खुला है वहाँ पे चेक करने वाला हूँ कि मुझे मिलता क्या है और ये क्या है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और क्रोकोडाइल मुझे लगा मेरे पीछे आ रहा है वैसे। हेलो, अरे नहीं ये तो जा रहा है, ये बहुत ही शरीफ बंदा लग रहा है भाई मुझे, ना नहीं बड़ी बहुत ही बदतमीज़ है। तो यहाँ पे मैं उधर इतना कुछ भी नहीं दिखा मुझे, मैं फ़िलहाल के लिए ऊपर जाके क्रोबार जहाँ पे हम लोगों को गिरा था ना उसको उठा के लेके आता और देखते कि वो जो वो पत्थर के इधर जो गैप है उधर लगने वाला है कि नहीं। ये तो आने वाला रास्ता था जिधर से हम लोग आए थे, वही रास्ता था ये। वैसे मैंने क्रोबार कहाँ पे डाल दिया था, मैं मुझे जिस जगह पे ओ यहाँ पे ये कौन सी जगह है, ओ स्किप तो नहीं होगा ना हम लोग, नहीं यार यहाँ पे ना आ सकती है इसीलिए, नहीं तो स्किप होता है ना कुछ इंट्रो विंट्रो लग जाते हैं कि मैं पेटिंग ऑफ रेफ्ट। और यहाँ पे कुछ ड्राइंग बनी हुई है, एक कुछ मछली है बड़ी और एक जाल, और यहाँ पे नीचे के वाटर का जो जिससे हम पानी वगैरह भरते वो है, मैं इसको यहाँ पे रख सकता हूँ। मतलब मुझे ऐसे कुछ और चार ढूंढ के लाने हैं क्योंकि यहाँ पे फाइव और बस वो ड्राइंग पे तो चार ही बने हुए थे, वैसे मुझे लाने कितने अभी, चार या तीन मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है। और ऐसे मैंने इस जगह पे भी देखा था जब मैं क्रोकोडाइल से छुप रहा था तभी, तो किधर गया, ओ भाई सामने क्रोकोडाइल है, ये देखो मिल गया। तो अभी इसको लेके फटाफट जाते और वहाँ पे रख के आते भाई लोग। क्रोकोडाइल उधर ही था भाई, कुछ तो कर रहा था वो, और सीढ़ी में तो चढ़ यार, मैं सीढ़ी में भी चढ़ नहीं पाता, मुझे डर लगता है क्योंकि हम लोगों को एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, बेस्ट देना है हम लोगों का पूरा अपना। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ और यहाँ पे मैं इसको रख देता हूँ। ओके तो हम लोगों को इसको चार ही रखना है, मतलब अभी और दो आना है, तो अभी फटाफट और दो ढूंढ के इसको फटाफट ला के रख देते हैं, पर उससे पहले क्रोबार भी लेना है और वो खोलना भी है। तो अभी फटाफट नीचे क्रोकोडाइल वो साइड जा रहा है, जा भाई तू मजे कर अपने, पानी है तेरे साथ। तो यहाँ पे मुझे एक ही मिला था, तो यहाँ पे और एक मिलने का चांस नहीं है, तो यहाँ पे मुझे और एक तो मिला नहीं, लगता है मुझे वो वाले साइड जाना पड़ेगा। तो ऑलराइट वो देखो वो साइड भी खुला हुआ है, पर यहाँ पे क्रोकोडाइल है, वैसे तो कर रहा नहीं ये हमको कुछ भी नहीं कर रहा है, सीरियसली यार ये कुछ भी नहीं कर रहा है। और यहाँ पे वाटर कैनिस्टर यहाँ पे एक और मिल चुका है, अभी इसको लेके जाना है फटाफट। वैसे अरे ये जैसे हम लोग आ जाते हैं ये डरता है कि हमसे पे पूछ पूछ, देखो ना क्या ही एनिमेशन करा है भाई, सच्ची में बहुत ही तगड़ा लग रहा है, वैसे डरावना भी लग रहा है, वैसे अच्छा है हम लोगों के साथ, हमको कुछ नहीं कर रहा है, ये बड़ी अच्छी बात है भाई। तू एक दिन तरक्की करेगा क्रोकोडाइल तरक्की। वैसे वो रास्ता कहाँ पे गया जहाँ पे हम लोगों को रखना था, ये वाले साइड था ना, ओ ये देखो ये वाले साइड है सीधा। तो अभी फटाफट इसको नीचे रखते हैं और एक और ढूंढना है, पर उससे पहले क्रोबार से वो रास्ता खोल देते हैं। तो ओके जिधर से मैंने क्रोबार डाला था, स्विच लिया था, उधर से मैंने क्रोबार उठा लिया है और मुझे नीचे जाके वो जो उधर एक कुछ लगने वाला है वहाँ पे इसको लगाना है। मुझे लगता है वो बिंद टूट के हम लोग को एक और रास्ता मिलने वाला है, ऐसे मुझे लग रहा है। यहाँ पे मैं ब्रेक इसको तोड़ दिया और यहाँ पे गैप, एनीथिंग साउंड अट्रैक्ट द क्रोकोडाइल, मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ लगानी है जिससे क्रोकोडाइल को परेशानी हो और वो आके उस दीवार को तोड़ दे या फिर उस चीज़ को खा ले, ऐसी कुछ चार्ज लानी है। पर उससे पहले मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मैंने नीचे क्रोबार डाल के साउंड क्रिएट कर दिया है और मुझे ऐसी चीज़ ध्यान भी आ गई है, जब मैं ऊपर था ना तब मुझे एक मच्छी दिखी थी। तो यहाँ पे हम लोगों को सबसे पहले ऊपर की तरफ जाना है शॉर्टकट वाले रास्ते से और फिर वो चीज़ को लेके आना है। तो ऑलराइट गाइस मैं वो वाले रूम में ढूंढते आ गया और ये रहा वो सिंगिंग कुछ तो फिश करके कुछ तो था इसको अब मैं जैसे नीचे ड्रॉप कर दूंगा ना साउंड इतने ज़ोर ज़ोर से अलार्म जैसे बजने लग जाएगा ना। तो ऑलराइट गाइस तो हम लोग इसको लेके आ चुके हैं और हमको सिर्फ जाके उस चीज़ को वहाँ पे लगाना है, क्या पता ये चीज़ वहाँ पे लगने भी वाली है कि नहीं, कि कुछ वो कोड वाला सीन है, वैसे वैसे करके उसको लगाना पड़ेगा। तो मैं इसको लगा, ओ ये यहाँ पे लग गया, बहुत ही गंदा वाला साउंड क्रिएट हो रहा है। ओ भाई साहब, ओ भाई क्रोकोडाइल आ गया, मैं ऊपर जाऊँ कि नहीं, वैसे वो हम लोगों को तो कुछ कर रहा नहीं है। तो यहाँ पे खड़े होके हम लोग व्यू देख के ज़रा, ओ भाई ये खाने का कुछ तो सीन कर रहा है, ए मेरे पास मत आ भाई, ओ ये सर मतलब घूम के एकदम ताकतवर एकदम टक्कर देने वाला है और इसने दीवार तोड़ दी, मैं जाऊँ कि नहीं, ओ मैं अंदर जा सकता हूँ क्या। वैसे क्रोकोडाइल मुझे तेरा बहुत डर लग रहा है, तू चले जा वो साइड, बहुत हुशार है वैसे हम लोगों का क्रोकोडाइल, वो साइड फटाक से चले जाता है। तो हम लोग अंदर की तरफ आ चुके हैं और ये क्या है भाई, ओ ये वाला एक डोर है जो कि मैं इसको खोल के रख दूँ तो हम लोग कहाँ पे आ जाते हैं,
ओ ये वो वाली साइड है जिधर मैंने वो वाटर कैनिस्टर रखे थे, वो वाली साइड है। और यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है। और यहाँ पे कुछ कॉइन्स है जिसको कि मैं कलेक्ट कर रहा हूँ, पर कलेक्ट भी जल्दी नहीं होता है, और इसको मैंने कलेक्ट कर लिया। और यहाँ पे अलग अलग पेंटिंग्स लगी हुई है, और वाटर कैनिस्टर मिल गया। तो मेरे पूरे के पूरे वाटर कैनिस्टर पूरे फुल हो गए। मुझे सिर्फ एक ऐसी चीज़ लगानी है जो फ़ोटो में है, और फिर हम लोगों का फुल एंड फाइनल एस्केप होने वाला है। तो मैं इसको फटाफट रख लेता हूँ यहाँ पे, और कोड का भी कुछ तो सीन है, वो भी करना पड़ेगा। तो ओके, तो मुझे कोड समझ चुका था बहुत टाइम ट्राई करने के बाद, कम से कम इसमें मेरे 15-20 मिनट जाने के बाद यहाँ पे मैं कोड डालने वाला हूँ। इसका कुछ क्या था वैसे, हाँ इसका 6 था, मुझे वाटर का याद है इसका 6। तो यहाँ पे इसको 6 डालते हैं, और इसका तो सन का कुछ 2 था, हाँ सन का 2 था, और 2 डाल दिया। और अभी इसका टी शर्ट्स का डालना है, तो टी शर्ट का कुछ 4 था, मुझे थोड़ा याद है 4, हाँ हाँ कुछ तो 4 ही था मुझे लग रहा है वैसे। तो यहाँ पे इसका 4 नहीं था यार, मैं ऐसे बोल रहा हूँ तो मैं कंफ्यूजिंग हो रहा है। मैं इसको डाल के लेता हूँ, इसका 3 था, और लास्ट वाले का जो था ना वो था 5। ओके द डोर हैज़ बी ओपन, और के नन आ चुके। पहले मैं भागने वाला हूँ भाई, इधर से कैसे कैसे भागता हूँ। ओके तो ऑल राइट गाइज, नन जा चुकी है, और मैं सुम मतलब एकदम चुपचाप इस रूम में आ चुका और चेक कर रहा हूँ। और यहाँ पर मुझे क्या कुल्हार, इसको किधर लगाना है वैसे, मगरमच्छ के मुँह में बांध दूँ क्या, गले में, कुत्ता बित्ता है क्या मेरा पालतू, पागल गई कि कुछ भी बना देते गेम वाले यार। तो यहाँ पे अभी हम लोग फटाफट जिस रास्ते से आए थे उधर ही ऐसी कुछ ड्राइंग बनी थी, तो वो रास्ता हम लोगों को भी मिल चुका है। तो इसको जाके फटाफट यहाँ पे रखते हैं, देखते हैं यहाँ पे लगने वाला है कि क्रॉक। ओ यहाँ पे ये लग गया, अभी मुझे कुछ ये लीवर तो नहीं घुमाना, इसको मैंने घुमाया, ये क्या, ओ ये गेट थोड़ा सा ऊपर हो, आपको झूठ लग रहा है ना, ये देखो ये पानी पूरा बाहर आ चुका है। अभी मैं इसको घुमाता हूँ, तो यहाँ पे देखो मैंने इसको घुमाया, ये ऊपर हुआ। अभी फिर से एक और बार देख लो यार लोग, तो यहाँ पर मैं इसको घुमा रहा हूँ, ये क्या अचीवमेंट कंप्लीट, एस्केप फ्रॉम स्कूल प्लस एस्केप थॉट। तो ओ भाई साहब क्या ही सीन है, एस्केप हो चुका है फुल एंड फाइनल हम लोगों का इविल नन भी। तो ये वाले सीरीज़ का फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने इसको एस्केप कर लिया, 3 दिन मरने के बाद फिर से एक और गेम स्टार्ट करने के बाद एस्केप कर लिया। ऐसे नहीं कि स्टार्टिंग में ओ भाई क्या ही घूर रही है हथौड़ा लेके, हथौड़े इससे ज़्यादा तो हथौड़े का वजन लग रहा है, पर पूरी अलग ही बेस बना के रखा है। तो मिलते हैं हम लोग ऐसे इंटरेस्टिंग अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो, और बेल आइकॉन को ऑल पे सेट कर लो, घंटी होती है ना बाजू में, ताकि आप मेरे वीडियो देख सको। और कमेंट में जो करना है करो, अगला कुछ लिखना है एपिसोड के बारे में, या कुछ और वीडियो चाहिए उसके बारे में लिखो, और वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। कुछ कॉन्ग्रेट्स वगैरह लिख के आ रहा है, आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हो। और बस यारो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Когда тебя цена посчитать потерь.